एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब बात समर्थन की आने लगी है। इसी को लेकर पूर्व सांसद अशोक तंवर भी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। अशोक तंवर ने कहा कि एलनाबाद में अपना भारत मोर्चा किसे समर्थन देगा, इसका फैसला 20 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले तंवर एलनाबाद की जनता के बीच जाएंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे। एलनाबाद का चुनाव है, प्रदेश में लगातार जो हम देख रहे हैं जुल्म, जाति, कानून व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, कहीं दलितों का बहिष्कार का मुद्दा है, कहीं उनके ऊपर अत्याचार, ना बहनें सुरक्षित हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने आज यहाँ पर चर्चा करी है साथियों से और फीडबैक भी ले रहे हैं। और आगे एलनाबाद के इस चुनाव में किस तरीके से हम लोगों की क्या भूमिका हो, सारे साथियों से चर्चा हम आज करने में लगे हुए हैं। और जो इसका निष्कर्ष निकल कर के आएगा फील्ड में जा कर के, एलनाबाद में, गांव में जा कर के, उसके आधार पर हमारे सारे साथी मिलकर के फैसला लेंगे। नहीं, हमारा मोर्चा है, ये पार्टी तो है नहीं अभी, तो जहाँ पार्टी ना हो, पार्टियाँ तो हमने बहुत देख ली, हमने 6-7 चुनाव लड़े और लड़वाए यहाँ। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश को, प्रदेश को अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, अच्छी सोच की ज़रूरत है, जो संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ करके इस देश को बचाने में, आम जनता को बचाने में अहम भूमिका निभा सके, ना कि केवल वोट ले और उसके बाद उनको छोड़ करके और उनका तिरस्कार करे। न विशेष तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें निकल करके जब आएंगी उसके बाद ही फैसला होगा। अभी तो सबसे चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग, इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा है सहयोगी बैठक, जो हमारे तमाम सहयोगी हैं, चाहे वो इस हलके के हों, सिरसा संसदीय क्षेत्र के हों, एलनाबाद के हों, या हरियाणा के जो हमारे अहम साथी हैं जिनकी यहाँ पर भूमिका हो सकती है, उन सभी साथियों का आज यहाँ पर बोला। मेरे तो कांग्रेसियों ने ही मेरे को दुश्मन मान लिया था और हमारे साथियों को, जिन्होंने 5 साल 8 महीने उसको सींचने का काम सब लोगों ने किया था, बाकी तो सारे जो माने अपना दोस्त है। इस दौरान तंवर ने साफ किया कि वो न कांग्रेस का समर्थन करेंगे, न ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन का, बल्कि वो जनता के फैसले के साथ अपना समर्थन देंगे। एलनाबाद के तमाम गांव में जाकर सभी साथी ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। बता दें कि एलनाबाद उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।